सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की घोषणा की कि गोवा में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गौर मतलब है कि इफी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में होगा। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि सिनेमा से जुड़े दो कलाकारों को 52वें इफी पुरस्कार में सम्मानित किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को गोवा में सम्मानित किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों का भारतीय सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से सांसद है। उन्होंने पिछले 5 दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने शोले, शराफत, तुम हसीन मैं जवा, नया जमाना, राजा जानी, सीता और गीता और बागबान जैसी फिल्मों में काम किया। प्रसून जोशी इस समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष है। उन्होंने हम तुम ब्लैक, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर और भाग मिल्खा भाग के गाने लिखे हैं। पिछले वर्ष विश्वजीत चटर्जी को ये पुरस्कार दिया गया था। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि इफी के इतिहास में ये पहली बार है कि 5 OTT प्लेटफॉर्म को भाग लेने का अवसर दिया गया। इनमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, मूवी और सोनी लिव शामिल है।